हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है उत्तम मिश्रा और आप लोग द इनअप देख रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था और आप लोगों की तरफ से अच्छा खासा रिस्पांस भी आया है। कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि काफ़ी अच्छी हेल्पफुल वीडियो थी। तो जो नए व्यूवर्स हैं, मैं उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने नहीं देखी पिछली वीडियो तो प्लीज़ उनको जाके देखिए। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और बिल्कुल मतलब काफ़ी लंबी वीडियो है, 42 मिनट में पूरी है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि इंग्लिश के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बेसिक है और रूट है, तो मैंने उसमें वो पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप एक बार जाके देखिए, बहुत ही हेल्पफुल। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी वो वीडियो। ठीक है, आप एक बार जाके देखिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। आप ये कह सकते हैं कि कॉमन एरर का हम एक पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आप प्रिपेयरिंग कर रहे हो, एसएससी की प्रिपेयरिंग कर रहे हो, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आप लोगों का कॉमन एरर तो आना ही आना है। किसी भी हालत में कॉमन एरर आना ही आना है। तो कभी कभार हमारे पास लेटर और लेटर का डिफरेंस पूछ देता है। ठीक है, एक्चुअली पूछता क्या है वो हमारे क्वेश्चन में ही दे देता है। ठीक है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि लेटर के बारे में तो हम लोग को पता होता है कि आई कॉल यू लेटर, आई सी यू लेटर, बहुत बार हमने पढ़ा है, लेकिन लेटर के बारे में आपको बहुत बहुत कम डिफरेंस पता है कि ये लेटर होता क्या है। तो मैं बेसिकली आज आप लोग को यही पढ़ाने वाला हूँ कि लेटर क्या होता है और लेटर क्या होता है। ठीक है, बहुत ही देखिए प्रोनंसिएशन में तो बहुत ही माइनर सा इसका डिफरेंस है। प्रोनंसिएशन में अगर आप देखो, पहले को हम कहेंगे लेटर और दूसरे को हम कहते हैं लेटर। ठीक है, प्रोनंसिएशन आप लोग मेरी सुन रहे होंगे, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, और अगर हम देखें मीनिंग में भी डिफरेंस है। देखिए, एक होता है लेटर, पत्र वाला लेटर, तो पत्र वाले लेटर के जैसा नहीं है ये। पत्र वाला लेटर वो अलग है। ठीक है, ये लेटर जो कि हमारा एडवर्ब है। ठीक है, और ये लेटर जो कि हमारा एडजेक्टिव है। अगर आप लोगों को एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, इतनी सी भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, तो आप इससे पिछली वीडियो जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बनाई थी, जिसे मैंने जितने भी हमारे आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैंने उसकी इंट्रोडक्शन दी थी। ठीक है, तो आप एक बार वो इंट्रोडक्शन आप जाके देखिए। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव पता चल जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, क्वालिफाई करता है, या आप ये कह सकते हैं कि उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज द एडजेक्टिव। ओके, एंड लेटर इज द एडजेक्टिव। ओके, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब देखिए एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के साथ साथ बाकी सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, या आप ये कह सकते हैं उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। अब हमने मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी लेटर क्या होता है? देखिए, ये लेटर का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लेटर प्रोनंसिएशन में बिल्कुल सेम होता है, लेकिन अगर हम बेसिक की बात करें, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये वाला जो है आपके टाइम के सेंस में यूज होता है। क्या होता है? टाइम के सेंस में यूज होता है। और दूसरा, ये जो होता है आपके फ्यूचर सेंस में यूज होता है। मैं भी बताऊंगा आपको, जब सेंटेंस करवाऊंगा तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि दोनों का दोनों किस तरीके से अलग है। ठीक है, और ये वाला जो है आपका पोजिशन शो करता है। क्या करता है? ये पोजिशन शो करता है। और ये वाला जो लेटर है, ये आपके पार्ट को शो करता है, किसी भी तरीके के पार्ट के। पार्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके के भाग को या किसी भी तरीके के सीक्वेंस को शो करता है। ठीक है, इन द सेंस ऑफ अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में, जैसे कि हम लोगों को पता हमारी मदर टंग हिंदी है, तो एक बार हिंदी भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बाद में, और इसका मतलब होता है बाद वाला या दूसरा। ठीक है, इसको हम जनरली, इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम टाइम के सेंस में बात करते हैं तो हम किसके क्या लगाते हैं? लेटर। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, आई कॉल यू लेटर, इस तरीके से आप लोग लिखते हो। ठीक है, या कई बार हमारे क्वेश्चन में आता है आई कॉल यू लेटर। ठीक है, इस तरीके से आता है। तो आप इसके लिए क्या करोगे? अब देखो, यहां पे आई कॉल यू लेटर, यानी कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, यानी कि आपने क्या किया? टाइम का सेंस बताया कि नहीं बताया? आपने टाइम का सेंस बताया ना कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। हो सकते हो अभी आप बिजी हो और बाद में आप कॉल करो, यानी कि इस सेंटेंस में आपका जो बेसिक कोर है वो आपने क्या किया? आपने टाइम को यूज किया। ठीक है, बट इन द सेम सेंस अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे आप मूवी देखने गए, सपोज किसी के आप मूवी देखने गए और आपने एक मूवी देखी, जैसे
I watched DC and Avenger. I watched DC and Avenger, but the later part was fantastic. अब देखो, पता ही होगा आप लोगों को, आप लोग एवेंजर और डीसी की मूवी देखते ही होंगे, ठीक है। मैंने लिखा है आई वॉच डीसी एंड अवेंजर, ठीक है। मैंने डीसी और अवेंजर दोनों ही देखी हुई है, बट द लेटर पार्ट वॉज फंटेस्टिक, लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है ना, वो फंटेस्टिक है। यानी कि दूसरा वाला, यानी कि बाद वाला जो पार्ट है ना, आपने जो बाद वाला यूज किया वो आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो इस सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, ये लेटर का यूज करते हैं। लेकिन इस वाले सेंस में क्या हो रहा है, आपके सीक्वेंस को दर्शाया जा रहा है कि नहीं दर्शाया जा रहा, आपके सीक्वेंस को दर्शाया जा रहा। बट इस केस में अलग है। इस केस में क्या हो रहा है, हम टाइम को शो कर रहे हैं, और इस केस में हम फ्यूचर को शो कर रहे हैं कि भैया मैं जो है तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, ठीक है। लेकिन इस सेंस में, इस वाले की अगर हम बात करें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें टाइम वाइम की किसी की बात नहीं हो रही। इसमें ये जो पूरा का पूरा जो है ना, ये पोजिशन पे और सिक्वेंस पे डिपेंड है। क्या है, पोजिशन पे और सिक्वेंस पे डिपेंड है, ठीक है। चलिए, देखिए मैंने दो एग्जाम्पल और लिखा है यहां पे, आप पढ़ पा रहे होंगे। द लेटर पार्ट ऑफ बाहुबली वॉज वेरी गुड, यानी कि इस जो सेंटेंस में मैंने लेटर को अंडरमार्क करा है, ठीक है। अब मैंने यहां पे लेटर का यूज करा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पे कि द लेटर पार्ट ऑफ बाहुबली वॉज वेरी गुड। आपको पता है बाहुबली एक मूवी आई थी जिसके दो पार्ट थे, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट मूवी देखी और सेकेंड मूवी, दोनों मूवी देखी, बट मुझे सेकेंड पार्ट बहुत अच्छा लगा, दैट्स वाई आई हियर यूज द लेटर पार्ट ऑफ बाहुबली वॉज वेरी गुड इन दिस सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है, ये किसको शो कर रहा है, पार्ट को शो कर रहा है कि भैया मुझे जो है ना वो सेकेंड पार्ट बहुत ज्यादा पसंद आई, ठीक है। तो आप यहां पे लेटर का यूज आप कर सकते हो, समझ आ गया। जरूरी नहीं कि मैं यहां पे ये लिखूं पार्ट टू वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मैं यहां पे लेटर भी कर सकता हूं कि यानी कि वो क्या कर रहा है, सीक्वेंस को दर्शा रहा है, पोजीशन को दर्शा रहा है, यानी कि बाद वाला जो पोजीशन है ना वो बहुत पसंद आया मुझे, ठीक है। चलिए, यहां मैंने एक सेंटेंस और लिखा है, आई मेट ध्रुव एंड राम बट लेटर वॉज इंटरेस्टिंग पर्सन, यानी कि मैं ध्रुव और राम दोनों से ही मिला हुआ हूं, बट बाद वाला व्यक्ति जो राम है ना वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन लगा। यानी कि मैंने यहां पे क्या कहा, अब यहां पे मैंने पोजीशन दिखाया है, क्या दिखाया मैंने यहां पे, पोजीशन। अगर मैं चाहता तो यहां पे लेटर को ना लिख के मैं यहां पे क्या कर देता, मैं यहां पे राम कर सकता था, लेकिन मैंने राम नहीं किया। यहां पे राम को मैंने क्या कर दिया, क्वालिफाई कर दिया, किसे, लेटर से। आई मेट ध्रुव एंड राम बट लेटर वॉज इंटरेस्टिंग पर्सन, ठीक है। ये जो राम है ना, ये यहां पे लेटर, ये बाद में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाद में आ रहा है, दूसरा इंसान है कि नहीं, बाद वाला इंसान है कि नहीं, तो मैंने यहां पर क्या यूज करा, लेटर का यूज करा। और एक बात ध्यान रखिए भाइयों, लेटर का जो ऑपोजिट होता है ना, वो फॉर्मर होता है, फॉर्मर, ठीक है। फॉर्मर जो होता है वो क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं यहां पे एक सेंटेंस और लिखा है, ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इधर देख लीजिए थोड़ा सा, मैंने एक सेंटेंस और लिखा, फाइव ईयर लेटर आई विल पास माई क्लास 12th, यानी कि पांच साल बाद मैं अपना 12th क्लास पास कर लूंगा। हो सकता है कि बच्चा अभी 7th क्लास में हो और वो फ्यूचर के सेंस में बात कर रहा है, कि भैया 5 साल बाद अगर मैं फेल नहीं हुआ ना तो मैं 12th क्लास को क्या कर लूंगा, पास कर लूंगा। यानी कि आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि यहां जो लेटर जो यूज हो रहा है ना, ये जो लेटर यूज हो रहा है, ये बिल्कुल किसके लिए यूज हो रहा है, फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है। यानी कि फ्यूचर के सेंस में टाइम के सेंस में 5 साल बाद आपको पहले ही पता चल रहा है 5 साल बाद इसमें क्या हो रहा है, टाइम के सेंस में पता चल रहा है। तो आई होप आप लोग दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। कई बार ये बहुत एक माइनर सा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और बिल्कुल काफी आई होप आप लोगों को मैंने काफी मेरा जो टीचिंग का तरीका है आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर आपने पिछली वीडियो नहीं डाली है तो प्लीज़ आप उसको जाके देखिए। मैं
अपनी पूरी एश्योरेंस के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट में नहीं मिल रही है तो मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा सर से कह के, ठीक है। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। 42 मिनट की वीडियो है, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफ़ी अच्छे कमेंट भी आए हैं उस पर बच्चों के, और काफ़ी सारे बच्चों ने देखा है। तो आप एक बार उसको जाके देखिए और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि जो मतलब आपने और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोज़ देखी होंगी उनसे कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन आप उस वीडियो को जाके देखिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को नया जरूर मिलेगा, ठीक है। और अगर आप एसएससी बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज के तो हमारा वीडियो है ही, ठीक है, बीए और बीए के तो हम प्रिपरेशन करवाते करवाते हैं। अगर आप लोग एसएससी और बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, द इनअप का साथ आप लोगों के साथ बिल्कुल है, ठीक है। जैसे हमारा मोटो ही है, बी रेडी टू लर्न, आप लोग बस लर्निंग के लिए रेडी रहिए, ठीक है। हमारे अभिषेक सर है, वो खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, CDS NDA के काफ़ी सारे एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। तो आप एक बार उनकी भी वीडियो देखा कीजिए, करंट अफेयर की वीडियो बनाते हैं, पिछली वीडियो उनके साइंस फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को साइंस एसएससी बाकी किसी और सब्जेक्ट वन डे एग्जाम में, अदर एग्जाम में, अदर स्टेट लेवल एग्जाम में साइंस के बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो आप एक बार उनको जाके देखिए, हमारे भी सुजीत सर है, ठीक है, वो आपको पता ही वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, उनकी वीडियोज़ पर तो काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज जाते हैं, ठीक है। आप एक बार उनकी वीडियोज़ देखें, अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले डाला है संयुक्त राष्ट्र के बारे में वीडियो, तो आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, आप एक बार जाके देखिए, ठीक है। और इस बार की पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप लोग द इनअप से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, और यहाँ पे आपको रटाया नहीं जाता, यहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। हम पढ़ाते नहीं हैं भैया, हम सिखाते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियोस देखोगे तो कुछ ना कुछ, बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चैनल खराब है, लेकिन मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ कि अगर आप बाकी चैनल से देख के आइए, कंपैरिजन आप कीजिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। थैंक यू गाइज, आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो, आई होप, ठीक है।